दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ANM कोर्स कैसे करें। अगर आपको हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल सेंटर में डॉक्टर के साथ काम करना पसंद है तो आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो आप 12th के बाद ANM कोर्स कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन अगर आपको इस कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी नहीं पता है तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ANM कोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए काफ़ी अधिक लाभदायक साबित हो सकेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। आज के समय में ANM मेडिकल क्षेत्र का काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। इसकी पॉपुलरिटी का मुख्य कारण इस सेक्टर में कैरियर के अवसर अनेक है, इसलिए स्टूडेंट इस सेक्टर में और भी अधिक आ रहे हैं। चूंकि नर्सिंग मेडिकल फील्ड से जुड़ा है इसलिए ये कोर्स उन लोगों के लिए सही है। ANM कोर्स करने के बाद किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप जरूर करें, जिससे आपको इस फील्ड का वास्तविक नॉलेज हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। ANM क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ANM की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरियर स्कोप क्या हो सकते हैं, बेस्ट कंपनी फॉर ANM जॉब, ANM के कार्य क्या हैं, सैलरी कितनी मिलती है, ANM के कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के नाम। सबसे पहले जान लेते हैं ANM क्या है। ANM एक डिप्लोमा कोर्स है। ANM का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है। पहले ANM कोर्स केवल महिलाएं ही करती थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में पुरुष भी अपना कैरियर बना रहे हैं। ANM नर्सिंग कोर्स यानी कि सरल भाषा में गांव का डॉक्टर। जी हाँ, आपने सही सुना, गांव का डॉक्टर। आज भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां डॉक्टर और हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है। उस गांव में ANM कोर्स की गई लड़कियां ही डॉक्टर का रोल निभाती है। ANM करने वाले छात्र को सभी दवाइयाँ और मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होता है। जिस गांव में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उस गांव में ज़्यादातर महिला ही प्रसूति डिलीवरी नर्स ही करती है। ANM में आपको सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इस्तेमाल करने और उसे रख रखाव के बारे में, इतना ही नहीं आपको सभी दवाइयों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको ज़रूरी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब जानते हैं ANM के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि 12th पास आउट चाहिए, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 12th में आपको 45 अंक लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर उम्मीदवार बात करें SC ST की जो है तो उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको 40% अंक लाना ज़रूरी है। ANM के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं ANM की एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा। उम्मीदवार की आयु कम से कम 17 साल और अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए। अब चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया, इनकी प्रवेश प्रक्रिया एक प्रवेश परीक्षा से होती है। अगर आप ANM कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th के बाद एक प्रवेश परीक्षा भी देना ज़रूरी है। कई प्राइवेट कॉलेज इनकी अलग अलग परीक्षा भी रखती है। गवर्नमेंट में सभी कॉलेज के लिए एक ही परीक्षा होती है, उसके मार्क्स पर ही आपको कॉलेज मिलता है और मेरिट लिस्ट तैयार होता है। कई कॉलेज के प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही होता है, जिसमें आपको आपके 10th और 12th के मार्क्स भरने होते हैं और आपकी फ़ोटो भी देनी होती है और आपका नाम पता और जो भी चीज़ें आपको फॉर्म में अवेलेबल है वो चीज़ें आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब जान लेते हैं ANM की तैयारी, ANM एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। अगर आप ANM का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह कोर्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स है तो आपको विज्ञान विषय पर ज़्यादा परिश्रम करना होगा। आपको सामान्य बीमारी होने पर ली जाने वाली दवाइयों का नाम याद रखने होंगे। मेडिकल फील्ड में रिलेटेड सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानना होगा और इसके साथ साथ आपको डिजीज और उसके सिम्टम्स के बारे में भी ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं कोर्स की तरफ यानी कि इसके सिलेबस की तरफ। जो भी आपके पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। किसी भी कोर्स को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि उस कोर्स का पाठ्यक्रम, अगर आपको पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पता है तो फिर आप यह बात जान लें कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने जाए हैं या फिर क्या पढ़ाए जाएंगे। ANM क्योंकि एक मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ फील्ड है इसलिए उसके उम्मीदवार को निम्नलिखित और विषय पढ़ाई
करवाई जाती है, साथ में इसके प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस की तरफ। तो फर्स्ट ईयर में आपको हेल्थ प्रमोशन पढ़ने होंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस है मिडवेफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। इसमें थ्योरी के बेसिस इसमें आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा कराए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं फी स्ट्रक्चर की तरफ। एएनएम की फी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप एएनएम कोर्स की फीस प्राइवेट संस्थानों के जानना चाहते हैं तो 50,000 से 1,00,000 प्रतिवर्ष तक होती है। गवर्नमेंट कॉलेज के फीस काफ़ी कम होते हैं तुलना प्राइवेट के, जिनमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए आपको मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर प्रवेश परीक्षा मेरिट या फिर डायरेक्ट भी एडमिशन प्राइवेट में ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अच्छी तरह से जानकारी ले लें कि जिस कॉलेज में इस कोर्स को करने जा रहे हैं वहाँ कॉलेज नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। साथ ही वहाँ पर टेक्निकल या फिर यहाँ पर टीचिंग फैसिलिटी भी देख लें, प्रैक्टिकल की सुविधा देख लें और कैंपस प्लेसमेंट होती है कि नहीं उसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं हम कैरियर स्कोप की तरफ। एएनएम में क्या स्कोप है? तो एएनएम में कैरियर की अकार संभावनाएं हैं। यहाँ पे एएनएम कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब के अनेक अवसर मिलते हैं। प्राइवेट क्षेत्रों में आप नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आदि जगहों पर अपना संवेद दे सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण बीमारी भी बढ़ रही है, जिससे कारण हॉस्पिटल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हॉस्पिटल की बढ़ती जनसंख्या को कारण नर्सिंग के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं भी बढ़ रही है, इस कारण युवाओं में भी नर्सिंग की कैरियर के क्रेज बढ़ रहा है। चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग यानी कि एएनएम स्टूडेंट्स के लिए अनेक रोजगार अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल, सामुदायिक संस्थान केंद्र, रेलवे, डिफेंस सेक्टर आदि में आप यहाँ पे समय समय में वैकेंसी निकलती रहती है। इस प्रकार आदि आप नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब जानते हैं कि आपका कैरियर ऑप्शंस एएनएम में क्या हो सकता है। तो ये पहला है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र यानी कि रूरल हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ पे आपकी लग सकती है जॉब। नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में क्लिनिक, हॉस्पिटल, गैर सरकारी संगठन इसे एनजीओ भी कहते हैं, और दूसरा एनजीओ, और यहाँ पे ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धावस्था घर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आपका कैरियर यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि आपके किस कंपनी में जॉब लग सकती है, तो बेस्ट कंपनी है एएनएम के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मेट्रो हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। अब चलते हैं कि हम एएनएम के कार्य क्या है इसे जान लेते हैं। इसमें बच्चे का टीकाकरण करवाना, डॉक्टरों की मदद करना, मरीज की देखभाल करना, मरीज की रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, सभी इंस्ट्रूमेंट्स की ठीक तरीके से रखना, माँ और बच्चे की सेहत के साथ फैमिली प्लानिंग जैसे कि योजना की महीने देना, और प्रथम उपचार फर्स्ट एड और न्यूट्रिशन सामान्य बीमारी पर उपचार करना, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार मरीजों को दवाई देना, और इसके अलावा कई सारे अन्य कार्य होते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो बता दिया लेकिन सैलरी का क्या, इसमें वेतन क्या मिलते हैं? तो बता दें कि 2 वर्षीय एएनएम कोर्स करने के बाद किसी भी कैंडिडेट को आसानी के साथ किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है, जहाँ पर कैंडिडेट्स को हर महीने 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक मिल जाते हैं। इसके अलावा जब उम्मीदवार को और अधिक अनुभव हो जाता है तो फिर उसके वेतनमान काफ़ी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर यदि कैंडिडेट किसी विदेश में जाकर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर लाखों रुपए महीना कमा सकता है। चलिए आगे चलते हैं इसके इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यानी कि कहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। यदि आपने यह सोच लिया है कि 12th के बाद आपको एएनएम कोर्स करना है तो आपके लिए अच्छे संस्थान से ही करें, क्योंकि जब आप एक अच्छे कोर्स करते हैं तो अच्छे संस्थान से करेंगे तो आपको नौकरी की तलाश के लिए अधिक परेशान नहीं होना होगा। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित संस्थान आपको श्रेष्ठ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी। निम्नलिखित भारत में कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे एएनएम कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलेज है हमारे पास, वो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पौंडीचेरी में स्थित है। सेकेंड है मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो चेन्नई में स्थित है। थर्ड है श्री रामचंद्रा विश्वविद्यालय, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फोर्थ है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिफ्थ है सस्त्रा बल मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में स्थित है।
सिक्स्थ है भारतीय विद्यापीठ जो कि पुणे में स्थित है। सेवेंथ है कमला नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सुल्तानपुर में स्थित है। एट्थ है आपका केडीए नर्सिंग कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है। नाइन्थ है आपका त्रिवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि रांची में स्थित है। टेंथ है मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि पंजाब में स्थित है। और जो लास्ट है एलेवेंथ नंबर वो है विजय लक्ष्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो ये थे कुछ कॉलेजेस के नाम जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको यह बताया कि एएनएम कोर्स क्या होता है और इस कोर्स को आप किस प्रकार कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानकारी दी कि आप कौन कौन से संस्थानों में एएनएम कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुई होगी। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एएनएम कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। आपको जानकारी कैसी लगी इसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक हमसे पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।